गांधी ग्लैमरस हैं लेकिन सद्दाम हुसैन की तरह दिखते हैं। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक विश्व शर्मा ने कांग्रेस के नेता और अपनी पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी पर हाल ही में किए गए अपनी टिप्पणी को दोहराते हुए अपनी विवादास्पद टिप्पणी को सही ठहराया और कहा कि राहुल गांधी अपनी बड़ी हुई दाढ़ी के साथ सद्दाम हुसैन की तरह दिखते हैं। शर्मा ने इस बात से इनकार किया कि अपदस्थ इसकी तानाशाह के साथ ये तुलना एक सांप्रदायिक स्पिन थी जो रूढ़िवादिता के हिंदुत्व एजेंडे से जुड़ी है। उन्होंने कहा, मैंने केवल ये कहा है कि वो सद्दाम हुसैन की तरह दिखते हैं, मैंने और कुछ नहीं कहा। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी पर तंज कसते हुए हेमंत शर्मा ने कहा था कि गांधी वंशज की छवि महात्मा गांधी या सरदार पटेल जैसी होनी चाहिए। इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन जैसी। मैंने अभी देखा है कि उनका यानी कि राहुल गांधी का चेहरा भी बदल गया है। वे आजकल इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन की तरह दिखने लगे हैं। चेहरा बदलना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको चेहरा ही बदलना है तो वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर गांधी जी के जैसा कर लो, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होता जा रहा है? शर्मा राहुल गांधी की बड़ी दाढ़ी पर तंज कस रहे थे। हेमंता के इस बयान पर कांग्रेस के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि यही वो व्यक्ति है जो कांग्रेस नेताओं का पैर पकड़ता था, उनको शर्म आनी चाहिए, आज वो जो भी है वो कांग्रेस की वजह से है। वही कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि इनका बयान सुनकर बीजेपी पर हंसने का मन होता है, कभी नहीं सोचा था ये लोग इतना नीचे गिरेंगे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से इनके होश उड़ गए हैं। उनके नेता ने भी हाल ही में दाढ़ी बढ़ाई थी, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं कहा था, हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एबीटी न्यूज़ 24x7।